जिस तरह से नोटबंदी के समय सोनम बेवफा है का जुमला लोगों की जुबां पर था, ठीक इसी तरह से इस बार कई लोगों की जुबां पर बस एक ही बात है और वो ये कि मायावती बेवफा है। बात हो रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा में 21 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव होने हैं। सूबे में गैर जाट नेता मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में बीजेपी की सरकार है। बड़े जाट नेता ओम प्रकाश चौटाला का परिवार और पार्टी मुलायम सिंह यादव के परिवार और पार्टी की तरह ही बिखरी हुई है। भतीजा दुष्यंत सिंह चौटाला पार्टी तोड़कर नई पार्टी जननायक जनता पार्टी बनाकर चाचा अजय सिंह की पार्टी इनेलो को चैलेंज कर रहे हैं। सत्ता में आने को बेताब कांग्रेस की राह कांग्रेसी नेता ही रोके खड़े हैं। सियासी चकल्लस में यूपी की सीएम रही और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर हरियाणा के जाट गुजर खूब चटखारे ले रहे हैं। दिल लगी कर रहे हैं कि मायावती तो बेवफा है। दरअसल इस चकल्लस के पीछे हरियाणा में मायावती की राजनीति की नीति ही है। मायावती ने हरियाणा में सभी पार्टियों से कभी न कभी रिश्ता जोड़ा लेकिन निभाया नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि अपने साथियों के दम पर वो लगातार वोट फीसदी बढ़ाने में सफल रही हैं और 1996 को छोड़कर हर बार उनकी पार्टी से एक विधायक सदन जरूर पहुंच जाता है। मायावती ने 1998 में तब के बेहद ताकतवर जाट नेता रहे ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल से दोस्ती गांठी। अगले चुनाव में बीएसपी का वोट फीसदी उछल कर 5.74% हो गया। फिर मायावती ने चौटाला से कुट्टी कर ली। साल 2009 में मायावती ने एक बार फिर दोस्ती गांठी। इस बार दोस्त बने कांग्रेसी सरकारों में सीएम रहे भजन लाल के बेटे और हरियाणा जनहित कांग्रेस के सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई। फिर एक सीट मिली और वोट फीसदी बढ़कर हो गया 6.74%। इसके बाद मायावती ने बिश्नोई से भी पीछा छुड़ा लिया। साल 2018 में मायावती ने एक बार फिर चौटाला से गठबंधन किया, लेकिन जिंद उपचुनाव में इनेलो की हार देखकर मायावती ने दोस्ती तोड़ने में ही भलाई समझी और एक साल में रिश्ता तोड़ लिया। इसके बाद राजकुमार सैनी की पार्टी राष्ट्रीय लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से रिश्ता जोड़ा, लेकिन ये रिश्ता भी कुछ दिनों के लिए मेहमान रहा। फिर मायावती ने चौटाला के पोते दुष्यंत सिंह चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी यानी जजपा से दोस्ती की, लेकिन विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही मायावती को लगने लगा कि दुष्यंत में दम नहीं है, लिहाजा जजपा से भी पीछा छुड़ा लिया। इसलिए इस चुनाव में लोग कह रहे हैं मायावती तो बेवफा है। आकाश शुक्ल, दिल्ली।